दिल्ली में यमुना प्रदूषण को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बृहस्पतिवार को यमुना में डुबकी लगाकर इस पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 2025 के चुनाव से पहले यमुना को साफ करने का वादा किया था, लेकिन अब वह अपनी नाकामी छिपाने के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली वासियों से कहा था कि वह स्वयं यमुना में डुबकी लगाएंगे। हमने इसके लिए ही उन्हें व मुख्यमंत्री अतिशी को आमंत्रित किया था, लेकिन दोनों में से कोई नहीं आया। सचदेवा ने आगे आरोप लगाया कि यमुना सफाई के लिए मिले फंड का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने बुधवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा, बृहस्पतिवार सुबह ITO स्थित घाट पर मुख्यमंत्री व केजरीवाल के लिए दो कुर्सी लगाकर रखी, लेकिन वे नहीं आए। केजरीवाल को राजशाही की आदत है, इसीलिए उनका वेलकम करने के लिए हमने रेड कार्पेट बिछाया और दो कुर्सियों की प्रथा तो अतिशी ने खुद शुरू की है। उन्होंने आगे कहा, अगर पिछले 10 सालों में कोई व्यक्ति दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने प्रदूषण रोकने के नाम पर सिर्फ विज्ञापन दिए हैं। दिल्ली की स्थिति ऐसी नहीं होती अगर उन्होंने सच में कोई काम किया होता। केजरीवाल को शर्म मानी चाहिए कि उन्होंने दिल्ली को सिर्फ लूटा है। ऐसी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंद न्यूज़.live।